तो दोस्तों बज चुका है 12:10। आज है मंडे, आज से हो गई है मीटिंग स्टार्ट। तो आप देख रहे होंगे मैं बैठ गया हूँ काम के लिए, और वर्कआउट हो चुका है 40 मिनट का कंप्लीट, और उसके तुरंत ही बाद मेरी एक मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए उसके लिए बैठा हूँ। इसको फिनिश करके मैं फटाफट लूँगा बात और होऊंगा रेडी। इसी बीच में आपको दिखा देता हूँ मैं पोस्ट वर्कआउट मील में क्या ले रहा हूँ, दिखाता हूँ। तो ये है हमारा पोस्ट वर्कआउट मील, पोहा, एप्पल, और ये है ग्रीन टी। इसको करते हैं फटाफट फिनिश, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोपहर का बज रहा है 3:30 और हम बैठे हैं लंच करने के लिए। लंच में क्या खा रहे हैं दिखाता हूँ आपको क्विकली से, अभी और कोई स्टेप्स नहीं हो पाए, वही मॉर्निंग वाला वर्कआउट हुआ था क्योंकि मीटिंग चल रही है बैक टू बैक। दिखाता हूँ क्या खा रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे बाद में। खाने का टॉप टू डाउन व्यू, जिसमें हम खा रहे हैं थोड़ी सी गोभी की सब्ज़ी, ये है लौकी की सब्ज़ी, ये है मूली, ये है चुकंदर, ये है रायता, और ये है 2 नॉर्मल मल्टीग्रेन आटे की चपाती। इसको करते हैं फटाफट फिनिश और इसके बाद करेंगे बात आपसे थोड़ी देर में, बने रहिए। हो रहा है 8:30 और हमें जाना है एक फंक्शन में, है एक शादी की पार्टी, उसमें जाना है। क्विकली जाएंगे और लौट कर आएंगे, जाना हालांकि है 25 किलोमीटर, बट कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जाएं और जल्दी आएं। खाना नहीं खाएंगे भाई, बने रहिएगा, दिखाएंगे आपको, कुछ नहीं खाएंगे, बस जाएंगे और आएंगे, खाएंगे कुछ नहीं, खाएंगे घर पे ही। दोस्तों रात का बज रहा है 12:30, हम आ चुके हैं वापस जहां हम गए थे एक रिलेटिव की मैरिज में, और मैरिज थी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर, वहाँ जाना और वहाँ आना काफ़ी टाइम लग गया। हम आए रात में काफ़ी देर से वापस, अभी मैंने खाया है खाना मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखा के फ़ायदा क्या था, शादी में गए वहाँ भी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था। हिंदुस्तानी लोग हैं, सभी को मालूम है कि शादियाँ कितनी धूमधाम से मनाई जाती हैं, ज़्यादातर इन्जॉयमेंट होता है खाने और पीने का, तो वहाँ भी यही इन्जॉयमेंट था खाने और पीने का, वो वाला पीने का नहीं, नॉर्मल पीने का, दूध, कड़ाव वाला दूध और चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो खैर काफ़ी चीज़ें थी इंतज़ाम था खाने पीने का, बट मैंने वहाँ पर शायद पानी भी नहीं पिया। मैं इधर ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था अपने आप को कि मैं पानी पीना ही भूल गया वहाँ पर, मैंने पानी भी नहीं पिया। खैर बाकी लोगों ने जिन्होंने खाना खाया था उन्होंने खाना खाया और बाकी हम वापस आ गए। अभी हम घर आए, वापस आके मैंने खाया है घिया, जिसे कहते हैं लौकी की सब्ज़ी, और खाई है 2 स्टफ़ चपाती मल्टीग्रेन आटे की, और स्टफ़ था उसमें मूली का। तो ये हुआ है हमारा डिनर, तो उसे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो काफ़ी लेट हो गया, तो उसको फटाफट खाया भी, लिए अपनी मेडिकेशन, और अब ले रहे हैं हम अपनी, कलर मत जाइएगा, ग्रीन टी है, ठीक है। तो अभी हम ले रहे हैं अपनी ग्रीन टी। आज मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आज काफ़ी ऐसे मौके आए जब प्लीज़ 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 और एक तो चलता है खाने के लिए और मीठे के लिए, लेकिन आज आपके भाई ने फुल कंट्रोल रखा, आज के अब तो कंट्रोल चल ही रहा है, और मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाना भी नहीं था, क्योंकि कुछ खा के फिर वो जो सेल्फ गिल्ट फील होता है वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होता है अपने आप के लिए, और खाने को ना करके जो एक विनर वाली फीलिंग आती है वो शायद वही लोग समझ सकते हों जो अपने डाइट पे कंट्रोल करते हैं। तो खैर ठीक है, लेकिन मेरी आदत बनती जा रही है कि मुझे किस टाइप खाना खाना है, मुझे किस टाइप खाना नहीं खाना है, मुझे क्या खाना है, कब खाना है। तो खैर अब चाहे हम शादी में जाएँ, चाहे पार्टी में जाएँ, जो कुछ भी करें, अब जो अपनी डाइट है वो अपनी डाइट फॉलो करनी है, तभी शायद अपने गोल तक पहुँच पाएंगे। सो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि जिसके बारे में मैंने शायद दिन में जिक्र नहीं किया, वो माफ करूँगा, वो था सैटरडे को वेट करने का। तो वेट हमने सैटरडे को नहीं किया, वेट मैं अपने वेट की बात कर रहा हूँ, किसी का वेट नहीं कर रहा था मैं अपना वेट करने की बात कर रहा हूँ, वज़न करने की बात कर रहा हूँ। तो हर सैटरडे हम अपना वेट करते हैं एक बार वीक में, और इस बार हम सैटरडे को अपना वेट नहीं कर पाए थे क्योंकि हम कर रहे थे ट्रैवल, संडे को भी नहीं हो पाया था, और हमने किया है मंडे को। तो मैं भी आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि मैंने कितना वेट किया है और क्या वेट निकल कर आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना वेट निकल कर आया है। अभी जो हमारा वेट निकल कर आया है वो आया है 92.10, और जो हमारा लास्ट वीक वेट था वो था 93.35। इसका मतलब ये है कि 1 kg 250 grams जो हमारा वेट लॉस हुआ है वो हुआ है एक हफ्ते के अंदर। सो अभी आप देख रहे होंगे कि पहले जो हम अपना वेट लॉस कर रहे थे इनिशियल डेज में वो ज़्यादा कर रहे थे, और हमारा वेट लॉस कम होना शुरू हो गया है जैसे जैसे हम अपने गोल के करीब जाते जा रहे हैं। और यही मैंने आपको कहा था कि बॉडी एक टाइम के बाद प्लेटो हिट करेगी, और आप देखेंगे कि 1-2 हफ्ते वेट बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाएगा और हमारा वेट लूज़ ही नहीं होगा, ये जो डाइट हम खा रहे हैं उससे और जो हम वर्कआउट कर रहे हैं उससे। वो टाइम होगा जब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम अपनी डाइट में और अपने वर्कआउट में क्या चेंजेस लाने हैं। मैं एक बार में दोनों चीज़ें चेंज नहीं करूंगा, मैं ग्रेजुअली अपना वर्कआउट चेंज करूंगा और ग्रेजुअली अपनी डाइट प्लान चेंज करूंगा, क्योंकि हम काफ़ी लिमिटेड चीज़ें खा सकते हैं मेडिकल रीजंस की वजह से।
तो आप देखेंगे और देखेंगे कि घर पे रह के हम और वजन कैसे कम करेंगे। अब कुल मिला के अगर बात की जाए तो मैं था करीब 104.50 पे। आप लोगों के लिए जब से मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट करी उससे एक्चुअल में था 109 kgs का, तब से अगर मैं बात करता हूँ 92 kgs तो वेट रिड्यूस हुआ है हमारा, और ये हुआ है ड्यूरेशन में विद इन अ स्पैन ऑफ 40 days और 45 days। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं किस टाइप की डाइट ले रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कैसा वर्कआउट कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और जाने की तो बात करते ही नहीं क्योंकि हम सारा वर्कआउट घर में ही कर रहे हैं। तो केवल घर के वॉक और घर के वर्कआउट या स्किपिंग से ही हम अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि स्टेप सेट गो ने आज फिर हमें धोखा दे दिया। हमारे जो स्टेप्स हुए थे आज के वो हुए थे 17,819, सॉरी 17,879, बट जो हमारे स्टेप सेट गो एप्लीकेशन ने जो स्टेप शो किए वो किए 16,910, जो कि बहुत कम थे। तो आज हमने पुराने टिकट के ऊपर ही अपने एक और अपडेट डाल दिया है कि हमारा जो टुवर्ड्स 12 AM जो स्टेप्स काउंटर होता है वो शायद रुक जाता है इस एप्लीकेशन का, और इस बार जो है वो मार्जिनली नहीं काफ़ी बड़े नंबर के साथ गैप क्रिएट हुआ है। तो मैंने एक टिकट लॉक कर दिया, उसमें मैंने एप्पल हेल्थ का एक स्क्रीनशॉट लगा दिया क्योंकि उनको एक आर्टिफैक्ट चाहिए होता है आपके iOS ट्रैकर से या आपके गूगल ट्रैकर से, एंड्रॉयड ट्रैकर से, जो भी आप कहते हैं। सो मैंने वो लगा दिया, देखते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। हर बार उन्होंने हेल्प की है, शायद इस बार भी वो हेल्प करें। गुस्सा इस बात का आता है कि जब आप स्टेप्स जो कर रहे हैं वो स्टेप्स पूरे नहीं दिखा रहा, वो आपके लिए खुद के लिए डीमोटिवेटिंग होता है। पहले तो हमारा टारगेट खुद का डिफीट हो गया 20,000 वाला, उसके बाद आपका स्टेप सेट गो में प्रॉब्लम आ गई तो आपको और गुस्सा आता है कि जितने स्टेप्स आपको करना है तो उसके क्लोज भी नहीं पहुँच पाए आप। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, देखते हैं कल उनका रिस्पॉन्स क्या आता है और आपको बताएंगे क्या रिस्पॉन्स आया है। और अभी हमें वेट लॉस की अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। मुझे नहीं पता आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि क्या हम अचीव कर पा रहे हैं और कैसे अचीव कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने शुरू किया है तो होपफुली उनको भी रिजल्ट आने शुरू हो गए होंगे। अब मुझे कोई कमेंट नहीं आता, मुझसे कोई बात नहीं करता, तो मुझे पता नहीं कि आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आपके पास ये वीडियो आता है और आपको लगता है कि इस पर कुछ कमेंट करना ज़रूरी है या कोई कमेंट बनता है तो प्लीज़ कीजिए। और मुझे अगर कोई भी कमेंट आता है तो ये मेरा रिकॉर्ड है कि जब से मैंने अपने चैनल स्टार्ट किया है, चाहे वो वीडियो कोई भी वीडियो डालूँ, मैं कितने ही कमेंट आए मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्स देता हूँ। खैर मैं अपनी बात को यही कह के दोबारा से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में या कोई भी ऐसा बंदा है जिसे आपको लगता है कि वेट लॉस की ज़रूरत है और वो समझता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है और वो ये समझता है कि वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकता है अपने काम के सामने, तो प्लीज़ उसको मेरे वीडियोज़ को फॉरवर्ड कीजिए। उनको बताइए कि घर में रह के भी वजन कम किया जा सकता है, किसी मशक्क़त किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। हाँ, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है और सेल्फ मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। इसी बात के साथ मैं आपको बोलूँगा थैंक यू और कहूँगा गुड नाइट।